2004 में अमरोहा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जीत दर्ज करने वाले हरीश नागपाल ने अपनी और अपने परिवार को जान का खतरा बताया है। 2008 में विश्वास मत पर मनमोहन सरकार के खिलाफ वोट करने वाले पूर्व सांसद हरीश नागपाल का दर्द है कि अब बीजेपी सरकार में भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। उनका कहना है कि वो हर जगह गुहार लगा चुके हैं। पूर्व सांसद हरीश नागपाल ने जताया जान का खतरा। मुझे और मेरे परिवार को जान से मारने की हो रही साजिश। मेरे बच्चों की गाड़ियों का किया जा रहा है पीछा। बच्चों का पीछा किया जाता है। मेरी बिटिया कॉलेज गोइंग है, उसने कई बार मुझे शिकायत की रही है कि पापा कुछ गाड़ियां फॉलो करती हैं और राजू चड्ढा का नाम लेते हुए वहां से गुजरती हैं। मेरे बेटे ने मुझे शिकायत करी, वो स्कूल गोइंग है, कि उसको गाड़ी फॉलो की जाती है, हमारे ड्राइवर ने बताया गाड़ी फॉलो की जाती है। 1975 में मेरे पिता की ट्रक से कुचल कर कराई गई थी हत्या। राजेंद्र चड्ढा के पिता की कंपनी का था ट्रक। 1975 में भी रोड एक्सीडेंट में हमारे पिता की हत्या इनके पिता द्वारा कराई गई थी, जो कि इनके पिता के ट्रांसपोर्ट कंपनी का ट्रक था। 2 फरवरी 1999 को मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ था। शराब व्यवसायी राजेंद्र चड्ढा था मुख्य अभियुक्त। दिल्ली में 99 2 फरवरी में हमला हुआ था और ये हमला विवेक ग्रुप के जो डायरेक्टर हैं राजू चड्ढा, राजेंद्र सिंह चड्ढा, शराब व्यवसायी, उनके द्वारा करवाया गया था, क्योंकि ऑक्शन लेने से पहले 99 में उन्होंने आगाह किया था कि अगर शराब का काम लिया तो आपके जीवन के लिए ठीक नहीं होगा। मेरे केस की फाइलें करा दी गई गायब। थाने अदालत से लेकर सभी जगह लगा चुका हूं गुहार। मैंने सब जगह शिकायतें थाने में भी करा दी हैं, अदालतों में भी दे दी हैं। मैंने सुप्रीम कोर्ट में भी मैंने रिक्वेस्ट करी है कि इस तरीके से मेरे जो 99 का हमला हुआ था 2010 में, अल्टीमेटली हमने एक दरख्वास्त लगाई दरख्वास्त के अंदर कि हमारे केस का क्या हुआ, तो अदालत के अंदर डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन यूनिट ऑफ दिल्ली ने ये रिपोर्ट दी कि 2001 में अदालत द्वारा संज्ञान ले लिया गया था, अनट्रेस फाइनल रिपोर्ट लगाई गई थी। 2002 में एक डेट पड़ी और 2003 में एक डेट पड़ी। उसके बाद से पुलिस की फाइल और अदालत की फाइल गायब है। तो मेरा ये मानना है कि क्योंकि ये बहुत रसूख वाले लोग हैं तो इन्हीं के रसूख से वो अदालत की फाइल और पुलिस की फाइल गायब है। डॉक्टर रणधीर सूद और राजेंद्र चड्ढा में मिली भगत। डॉक्टर सूद के जरिए चड्ढा मरवाना चाहता है मुझे, नहीं होने दे रहे कहीं भी मेरा इलाज। सूद के खिलाफ कराई है मैंने FIR। पीएम गृह मंत्री CM से भी लगाई है गुहार। मैंने प्रधानमंत्री से भी मिलने की बहुत कोशिश की पार्लियामेंट में, मैंने माननीय गृह मंत्री से मिलने की बहुत कोशिश की, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पत्र दे के आया हूँ, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई या किसी भी तरीके का ये पीछा करना उनका रुका नहीं है। शराब कारोबारी राजेंद्र चड्ढा को बचाने में जुटा सिस्टम। हरीश का आरोप, मेरे फोन हो रहे हैं टैप। मेरे फोन ट्रैप किए जाते हैं, मैं कहां मिलने जा रहा हूं, किस डॉक्टर से मिलने जा रहा हूं। नागपाल ने 2008 में विश्वास मत पर दिया था मनमोहन सरकार के खिलाफ वोट। तब निर्दलीय सांसद थे हरीश नागपाल। नागपाल की पीड़ा अब बीजेपी सरकार में नहीं हो रही सुनवाई।